नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माही कंस्ट्रक्शन में। मैं दीपक यादव, सिविल इंजीनियर। आज का जो टॉपिक है उस वो है लेंटर के सरिये कैसे बनवाएं। तो आइए टॉपिक की बात करते हैं। लेंटर के जो ये वीडियो में आप सरिये देख रहे हैं, आपको लेंटर के सरिये इसी प्रकार बनवाने हैं और 10 mm बनवाने हैं। क्या है रहता है, लेंटर में कोई भी मिस्त्री और ठेकेदार आपको ज्ञान देते हैं कि सर 8 mm का सरिया सफिशियंट होता है। मैं कहता नहीं, 8 mm नहीं, आप 10 mm के सरिये में बनाइए, कोई विशेष खर्चा नहीं आएगा, 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके बाद क्या रहता है, मिस्त्री जो सरिये रहते हैं सीधे रख देते हैं वॉल के ऊपर। जब 7 फीट पर लेंटर डलता है तो उसमें सीधे ऐसे सी कड़ा नहीं बनाते। अगर ऐसे सीधे सरिये रख रहे तो उसे साफ मना कर दीजिए कि ऐसा नहीं, सी ये कड़े जो ये होल्ड है लॉक करने के लिए ये ज़रूरी है, इसके ऊपर कंक्रीट करते हैं। इसका बेनिफिशियल क्या रहता है कि जब आप इस पर कंक्रीट करते हैं तो वो पकड़ कैसे करेगा, वो पकड़ेगा कैसे, वो लोड जो रहेगा जो भी उसका वो कैसे करेगा। और लेंटर डालने से क्या फ़ायदे होते हैं, लेंटर डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो क्रैक्स आते हैं दीवार पर, अगर गलती से कोई लोड या सही सेट कॉलम किसी ने डिजाइन नहीं करा, ठेकेदार ने हल्का सा लोड करके वॉल पर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वॉल कैसे एडजस्ट करेगी। 4 इंची वॉल पर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल लोगों ने 9 इंची की 10 इंची की दीवार की जुड़ाई कोई नहीं करता है, सब लोग मोस्टली 4 इंची की वॉल की ही में ही जुड़ाई करते हैं। तो आपको डबल लेंटर डालना, डबल लेंटर कैसे डालेंगे, एक तो आप क्या बोलते हैं 3-3.5 फीट पर डालेंगे, फिर 1-7 फीट पर जाके। इससे क्या होगा, वॉल पे जो आपने देखा कभी कभी मोस्टली घरों में एयर क्रेक कहते हैं, एयर क्रेक आ गया यार ढंग से तरी नहीं, नहीं नहीं वो गलती से डिजाइन करा हुआ, अगर प्रॉपर तरीके से कॉलम बीम डिजाइन नहीं किया तो गलती से कहीं ना कहीं लोड वॉल पर आता है और वॉल 4 इंची वॉल उस लोड को झेल नहीं पाती, मतलब नहीं ले पाती, तो वो क्रेक के रूप में आपकी दीवारों पर दिखता जो कि बहुत गंदा लगता। तो इसलिए आप डबल लेंटर डालिए, जिसमें डबल लेंटर का फ़ायदा भूकंप रोधी जब मकान बनते उसमें भी डबल लेंटर डालते, इससे आपकी वो 4 इंची की वॉल 9 इंची वॉल के इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और प्लस कभी भी इन फ्यूचर अगर किसी ठेकेदार ने अपने बिना इंजीनियर के मकान बनाया है और गलती से लोड अगर ट्रांसफ़र भी हुआ तो वो आपकी वॉल को आपके घर को बिगाड़ेगा नहीं, एक क्रेक के रूप में वो पूरा लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और मकान बनाते समय ध्यान रखना, लेंटर हमें 10 mm के सरिये में ही डालना है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे ग्रोथ मिले और मैं इन फ्यूचर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो वेरी मच।